हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल थलुमला के आज हम ट्रेलर पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इसके सबटाइटल्स की हेल्प हम लेंगे। काफी टाइम से रिक्वेस्ट आती है, ट्रेलर आ गया है, इस पर रिएक्ट करो। सो वी डिसाइडेड यार आज इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले। लेकिन प्ले करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं। सो लेट्स प्ले। ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും മൂപ്പരില്ല. ആളത്തപ്പും നിങ്ങളെ എത്തിക്കും. ചിന്തയെ അടിമപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ യുവതയെ തിരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു. അടികള് പലവിധം, സെവൻസിനടി, പൂരത്തിനടി, ഉത്സവത്തിനടി, പെരുന്നാക്കടി, ഗാനമേളക്കടി, തിയേറ്ററിനടി, പിന്നെ വെറുതെ വരുന്നടി, അതിൻ്റെയൊക്കെ തിരിച്ചടി. എന്താ പേര്? വസീം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കേന്. ബ്ലോഗർ ബീപാത്തും എ.കെ. ഫാത്തിമ ബീപ്പ് മ്യൂസിക്കലി യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെൻസേഷൻ ആണ്. കണ്ടന്റ് ഇട്ട അപ്പോൾ വൈറലാണ്. യോ, യു ഗോട്ട് എ ചലഞ്ച് ഫോർ ഫേസ് ബ്രോ. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? നമുക്കൊരു ലൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഫോളോ ബട്ടൺ നമ്പർ. കുറച്ചു കാലം കമ്പനി അടിച്ച് നടക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? നോക്കി നോക്കാം. മോളെ, ആ ചെക്കനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടാ, വടക്ക് ചെക്കനാ. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും സൈബർ ലോകമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക. അതിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഈ യുവതാണ് പറയെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾക്ക്. മനസ്സിലായ? കളപ്പുരയ്ക്കൽ ദേവി സാറേ മാല പൊട്ടി ചേച്ചി. നീ മാല പൊട്ടിക്കൽ. പരാതിക്കാരീനെ? പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവാണ് സാർ. मुझे तो इसका म्यूजिक सबसे पहले बहुत अट्रैक्ट किया। जो पीछे गाना लग रहा था ना, डिफरेंट क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंट उसमें आ रहा था। कभी खाली ट्यून आ रही थी, कभी वो मिक्स गाने की आवाज आ रही थी, एक मजे की वाइब्स आ रही थी। और साथ ही साथ जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह वो दुबई से आया होता है और बीच में से सोशल मीडिया का टारगेट किया गया है, तो इंटरनेट सेंसेशन, वायरल हो जाना डिफरेंट उसके ऊपर, इंस्टाग्राम और डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर। और साथ ही साथ जिस तरह शुरू में मुझे वो डर वॉज सो हिलेरियस यार, कि जिसमें स्ट्रीट फाइट्स, अच्छा हर तरह की फाइट्स यहाँ की अलग है, सिनेमा की अलग है, गली मोहल्ले की अलग है, फ्रेंड्स के साथ अलग है। वो मार भी रहा है, उस एरिया का सेगमेंट दिखा रहे हैं यहाँ पे, फाइट हुई भी है। और उसके साथ साथ दुबई का भी दिखाया है यार, मुझे एक फनी भी कॉमेडी भी लग रही है और एक्शन भी है, ऐसी एक्शन की फनी कॉमेडी में। हाँ, मतलब कॉमेडी और एक्शन और थ्रिल, बीच में सस्पेंस एक, लेकिन कॉमेडी वर्जन में और साथ एक्शन भी है। सो मुझे काफी, और कास्ट कितनी ज्यादा है कि मतलब फर्स्ट से लेके एंड तक आ गए हो। और वो कहते हैं ना, वो वेलकम टू पोनीनी, वो हबीबी, वो मुझे मजा आ रहा है इस मूवी का ट्रेलर देख के ही तो। लेकिन लग रहा है कि मूवी काफी फनी होने वाली है और थिएटर में तो आ रही है अब अगस्त में।
तो धमाल मचाने वाली है. सो आई वी एंजॉयड द होल ट्रेलर. म्यूजिक मुझे ज्यादा मजे का लगा, उसके बीच में से मजा आ रहा था गाने का, बट वी डोंट नो द लिरिक्स, बट एंजॉय एज अ व्यूअर एंड एज अ लिसनर वो उसमें से मजा आ रहा है. सब टाइटल्स की हेल्प भी थी क्योंकि बहुत से कभी कभार वन लाइनर्स होते हैं या फिर कोई भी कॉमेडी हो तो वो आपको सब टाइटल्स में नहीं समझ इसी समझ आती, लेकिन जो उनकी अपनी जो ऑडियंस होती है उनको ज्यादा पता चलता है. लेकिन सब टाइटल्स की हमने हेल्प की है, फिर भी मजा आया. सो आई होप आप लोगों ने भी ट्रेलर और इस वीडियो को एंजॉय किया होगा. आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब. गुड लक.